हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको दिखाने जा रही हूँ प्लॉटिंग कैसे करके हम स्टार्टिंग जो बेस है वो कैसे बनाते हैं। तो ये अभी हमने जेसीबी लगाई है। इससे पहले क्या होता है कि पहले वाइट उससे जो है मार्क किया जाता है, जैसे किचन का साइज़ एंड बेडरूम का साइज़ उससे पहले मार्क करेंगे। उसके बाद जो है जहाँ जहाँ पर मार्क किया होता है वहाँ वहाँ पर ये जो है जेसीबी खुदाई करती है पिलर्स के लिए। जैसे कि आप देख रहे हैं अभी जो है जेसीबी खुदाई कर रही है और मिट्टी बाहर निकाल रही है। ये ऑलमोस्ट जो है मिट्टी बाहर निकल चुकी है, बाकी जो बची कुची मिट्टी थी वो जो है लेबर बाहर निकाल रही है और ये मटेरियल बना रही है। इसमें सारे इन्ग्रीडियंट्स मिक्स करे हैं इन्होंने और उसके बाद ही ये जो है इसका भी बेस स्टार्ट हो रहा है। जैसे कि आप देख रहे हैं कि आपके घर में कितने पिलर्स होने चाहिए वो सारी चीज़ें। तो अगर आपको अभी तक मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर करें। ये जो है हम ऑन डिमांड कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं किसी क्लाइंट की, जिसका साइज़ है 24x50 feet और ये जो है कॉर्नर हाउस बनेगा और ये कुछ इस तरह से बनेगा, नीचे 2 BHK एंड ऊपर ममटी, जैसे कि आप देख रहे हैं। और हम क्या करते हैं, जो हम कंस्ट्रक्शन करते हैं वो हम विद मटेरियल करते हैं और जो हमारी कंस्ट्रक्शन कॉस्ट रहेगी वो 1700 पर स्क्वायर फिट विद मटेरियल रहती है के लिए उसका बेस या नींव मजबूत होना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि आप देख रहे हैं हम अपने से कोई भी कमी नहीं रखेंगे घर बनाने में और विद एग्रीमेंट हम जो है घर बनाते हैं। अगर आप खरड़ में कंस्ट्रक्शन करवाना चाहते हैं तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में अपना नंबर मेंशन कर दूंगी, तो आप वहां पे आके मुझे कॉल कर सकते हैं। और इस हाउस में जो है आपका टाइल वर्क एंड वुडन वर्क कंप्लीट रहेगा। सबसे पहले हमने फाउंडेशन को 8 फिट गहरा किया है और इसके बाद हमने क्या करा है, ये सारी मिट्टी जो है बाहर निकाली है। जैसे कि आपने पहले भी देखा है इसमें जो है हमने 4x4 की जो है प्लेट डाली है और इसको जो है ऊपर जहाँ प्लेट है प्लेट तक इसको फिल करते हैं। और इसमें जो हमने बार यूज़ करा है वो जो है 16mm का बार यूज़ कर रहे हैं और ये जो है हमारा टाई बीम लेवल आ जाएगा। इसके बाद जो है इसमें 4 रोज लगाएंगे ब्रिक्स की और इसके बाद जो है आपका घर का लेवल जिसको कहते हैं DPC। और ये थी मेरी वीडियो, जैसे कि आपने देख चुके हैं अभी तक कि हम कैसे कैसे कंस्ट्रक्शन और आपको दिख रहे होंगे प्रॉपर पिलर वगैरह भी हमने इसमें लगाए हैं। तो अगर आप भी खरड़ में कंस्ट्रक्शन करवाना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पे कॉल करें और मैं इसी तरह से आपको लेकर आऊँगी Part 2 कंस्ट्रक्शन का। और बाकी प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आपको आने वाले अपडेट्स के बारे में पता चले। और प्लीज़ आप खुद कंस्ट्रक्शन करवाइए अपने घर की, क्योंकि सभी का सपना होता है अपना घर बनाना। तो अगर रेडी टू मूव देखते हैं तो फिर उसमें आपको आइडिया नहीं होगा पिलर कितने हैं या कौन सी ब्रिक्स यूज़ कर रहे हैं। इसीलिए जो भी प्लान कर रहा है प्लीज़ अपना घर खुद बनाएं। और थैंक यू सो मच, और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। थैंक यू सो मच।